हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेनू शर्मा, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम पाठ 10 दुर्गा पूजा नामक एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें दुर्गा की महिमा के बारे में बताया गया है। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदू नाम महोत्सव उत्सव अस्ति। शरद काले अश्विन मासे इयं पूजा संपूर्णे भारते श्रद्धया आनंदेन च संपादिता भवति। दुर्गा पूजा जो हम नवरात्रों में 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो दुर्गा पूजा है वह हिंदुओं का एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं हिंदू इसे। ये कब मनाया जाता है? शरद काल में, सर्दी में, अश्विन मास में ये पूजा संपूर्ण की जाती है पूरे भारत में श्रद्धा और आनंद के साथ में। दुर्गा पूजाया विषये अनेका कथा प्रचलिता संति। जो ये दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में, इसके बारे में बच्चों कई कथाएं प्रचलित है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित है कि कहां पर ये किस रूप में और क्यों मनाई जाती है। रावणेन सह युद्धात पूर्व श्री रामः 10 दिनानि यावत दुर्गायाः पूजां कृतवान। पहला कारण यह बताया जाता है कि जब श्री राम का रावण के साथ में युद्ध हुआ था, तो रावण के साथ युद्ध से पहले श्री राम ने 10 दिनानि 10 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। जब युद्ध होने वाला था रावण के साथ, तो उसके पहले श्री राम ने 10 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना पूजा की थी। तस्या प्रसादेन सह रावणम हतवान लंकाया विजयम प्राप्तवान च। तस्या प्रसादेन उनकी प्रसादेन उनकी कृपा से, किनकी कृपा से? माँ दुर्गा की कृपा से। उनकी कृपा से रावण को हतवान, हतवान मतलब मारना, उसका वध करना, रावण का वध करके श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। तस्य विजयस्य स्मरणाय प्रतिवर्षम इयम् दुर्गा पूजा अनुष्ठिता भवति। तस्य विजयस्य उनकी विजय की स्मरणाय याद में प्रतिवर्ष इस दुर्गा पूजा को किया जाता है। श्री राम ने जब वहां पर लंका पर विजय प्राप्त की, तो उसी याद में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा की जाती है। अनेकेषु स्थानेषु प्रतिवर्षम अस्मिन् अवसरे रामलीलाया प्रदर्शनम भवति। अनेकेषु स्थानेषु अनेक अनेक स्थानों पर, कई स्थानों पर प्रतिवर्ष हर वर्ष इस अवसर पर रामलीला का प्रदर्शन भी किया जाता है। पूजाया अंतिम दिवस विजया विजयादशमी कथेता। जो पूजा का अंतिम दिवस होता है, जो 10वां दिन होता है, उसको किस रूप में मनाते हैं, किस नाम से जानते हैं? विजया दशमी के नाम से। अपरे वदन्ति यत अस्याम दशम्याम तिथो देवी दुर्गा महिषासुर नामक राक्षसम हतवती। अब दूसरी कुछ की वदंती, दूसरे लोग, कुछ लोग क्या मानते हैं? अपरे वदन्ति, कोई कुछ दूसरे लोग कहते हैं यत कि अस्य दशम्या तिथो, इस दशमी तिथि को देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। अतः सर्वत्र दुर्गाया महिषमर्दिनी प्रतिमा प्रतिष्ठिता पूजिता च भवति। अतः सर्वत्र, अतः सभी जगह दुर्गा को महिषमर्दिनी, दुर्गा का कौन सा रूप होता है? महिषमर्दिनी, की महिषासुर नामक राक्षस को मारते हुए ऐसी एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है। देवी प्रतिमा पूजा स्थलानि च उत्तम रीत्या सज्जितानि भवन्ति। देवी की प्रतिमा कि जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पर वो प्रतिमा होती है महिषमर्दिनी रूप वाली, वहाँ पर उत्तम विधि से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित किया जाता है। जनाः दुर्गाया स्तवान पठन्ति हवनम कुर्वन्ति च। जो लोग होते हैं, जना लोग दुर्गा की स्तुति, स्तुतवान मतलब स्तुति करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हवन और हवन करते हैं। बहुषु स्थलेषु संगीत नृत्य आदि मनोरंजका कार्यक्रमा आयोजिताः भवन्ति। बहुषु स्थलेषु, बहुत से स्थानों पर संगीत नृत्य आदि मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 9 दिन तक गरबा डांडिया वगैरह करते हैं, अलग अलग संगीत नृत्य और मनोरंजन कार्यक्रम अलग अलग तरह अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं।
जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। जनाः लोग नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं। पूरे 9 दिन 10 दिन माँ दुर्गा की जो पूजा होती है तो एक त्यौहार बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं और नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं। विविधानि मधुराणि खादन्ति खादयन्ति च। विविधानि मधुराणि कई तरह के मीठे पकवान बनाते हैं और खाते हैं। दशम्या एव दुर्गायाः प्रतिमा जले विसर्जिता भवन्ति। और 10वें दिन दुर्गा माँ की जो प्रतिमा होती है उसको जल में विसर्जित कर देते हैं, एक विदाई देते हैं माँ को और 10वें दिन उनको जल में विसर्जित कर देते हैं। हिंदू नाम मतेन दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी च अस्ति। हिंदुओं के मत में, हिंदुओं की धारणा होती है हिंदू धर्म में कि जो माँ दुर्गा है वो आदि शक्ति का रूप है और जगत जननी इस संसार की माँ है। तस्या प्रसादेन अधर्म नाशयन्ति धर्म जयति च। उनकी कृपा से, प्रसादेन उनकी कृपा से अधर्म का नाश होता है और धर्म की जय होती है। एतया पूजया जनेषु धार्मिक भावना आत्मविश्वास उत्साह भ्रातृभावश्च संवर्धिता भवन्ति। इस पूजा से जनेषु लोगों में धार्मिक भावना आत्मविश्वास उत्साह भ्रातृभावश्च एक भाईचारे की जो भावना होती है वो संवर्धिता भवन्ति, इसका वर्धन होता है, इसकी बढ़ोतरी होती है, इसकी वृद्धि होती है। देवी दुर्गा विजयस्य प्रतीकम अस्ति। जो देवी दुर्गा की जो ये पूजा होती है ये एक विजय के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। थैंक यू।